फ्रेंड्स, आज जो है टाइल फिक्सर और बजदूर नहीं आया। हमारी यहाँ तक क्यारी बन गई है। उसकी एक वजह तो ये थी कि आज हमारा पानी का जो वाटर पंप है उसकी मोटर जल गई है। टाइल फिक्सर को जो है ना वो छुट्टी करने का बहाना मिल गया है। वो कह रहा है कि पानी नहीं है, ये देखें ड्रम खाली पड़ा हुआ है। तो कल जो है ना हमने नेबर से ले लिया था, आज हमारी नेबर जो है वो घर नहीं थे, लॉक था। तो वो साथ कहता है कि लाइट है, ओ सॉरी पंप में पानी, पंप जला हुआ है, पानी है नहीं। तो मैं बताएं काम कैसे करूं। चलें, खैर हमारा ये पेंट वाला भाई तो आया हुआ है, पेंट का काम मुकम्मल हो रहा है। ये देखें यहाँ पर मेरा पानी का पंप लगा हुआ है, इसकी मोटर जल गई है। मेरे ख्याल में ऊपर से बारिशें वगैरह जब हुई हैं तो इसमें पानी वगैरह गया होगा, और ये यूज़ भी कम होता है क्योंकि अभी यहाँ शिफ्टिंग नहीं हुई, काम अभी कम्प्लीट नहीं हुआ इस जगह का, वो बन रहा है, जिसकी वजह से जो है ना पंप की केयर नहीं की गई और वो जल गया है। अच्छा, यहाँ का हमने लेना है किचन टॉप्स मार्बल, ये लेने जाना है। ये यहाँ पे भी किचन टॉप लगेगा, मार्बल लगेगा, और ये सिंक एरिया है यहाँ पर भी। इनकी मैंने पैमाइशें ले ली हैं, चल के इनका मार्बल लेते हैं। वो था हमारा ग्राउंड फ्लोर का, और ये है हमारे फर्स्ट फ्लोर का किचन। आपको दिखाता हूँ, इसकी भी मैंने पैमाइश ले ली है, इसकी पैमाइश ले ली है, इसका भी मार्बल लेना है। चलते हैं मार्बल वाली शॉप पे, वहाँ से जाके मार्बल लेते हैं इनके। इलेक्ट्रीशियन को कॉल कर दिए, वो अभी आ जाएगा, वो आके मोटर उतार के ले जाएगा और हमारी मोटर बना के लाएगा। इतनी देर में मैं जाके मार्बल का ऑर्डर करके आता हूँ। चलिए जी, हमारी धन्नो चलते हैं इस पे मार्बल मार्केट में। पहुँच चुका हूँ मार्बल मार्केट में, और चलते हैं मार्बल वाली शॉप पे जहाँ से मैंने पहले मार्बल लिया था। चलते हैं शॉप में, यहाँ से मैंने पहले भी मार्बल खरीदारी की थी। चल के इनसे लेते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जदा क्या हाल है? ठीक है जी, जजाकला भाई जान। ये देखें इन भाई के पास ये सारे काफ़ी सारे मार्बल पड़े हैं, लेकिन मैं जो है कलर वो सिलेक्ट करके लाया था, वही कलर ही लूँगा मैं, क्योंकि जो पसंद किया है उसी को ही लगवाएंगे। और ये देखें बाकी भी सारा, ये भाई के पास मार्बल कलेक्शंस हैं। ये है जी प्लोपर, ये मैंने किचन टॉप के लिए पसंद किया है, जो नीचे वाला किचन है हमारा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे। ये नीचे वाले किचन का और ये ऊपर वाले किचन का, ये दोनों टॉप पसंद किए हैं। ये अभी भाई से रेट फाइनल करते हैं, खाना खा कर वो फ्री हो गए हैं, अभी उन्हें मैं पैमाइशें देता हूँ और रेट फाइनल करता हूँ। पैमाइश दे दी है मैंने इस भाई को, इन्होंने लिख लिया और अपने ऑनर से पता कर रहे हैं फाइनल रेट। हमारा ऑर्डर हो गया फाइनल, अब चलते हैं। सफवान की तबीयत ख़राब है, उसको डॉक्टर के पास लेके आई हुई है मेरी मिसेज, तो चलते हैं सफवान के पास, उसकी दवाई लेते हैं। डॉक्टर को चेक करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कोई ऐसा सीरियस कोई मसला नहीं है। कुछ ज़रूरी टेस्ट वगैरह थे वो भी उन्होंने करवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। तो उन्होंने मेडिसिन लिख के दी है, वो चल रही है, वो कहते हैं चलने दें मेडिसिन। डॉक्टर साहब ने मेरे जवान को इंजेक्शन लिख दिया और वो अब काफ़ी परेशान है, ये काफ़ी परेशान है। इंजेक्शन लग रहा है आपको? आप डर रहे हो? इंजेक्शन लग रहा है आपको? डर रहे हो आप? डर भोगो आप? कहते हो मैंने आर्मी में जाना है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, सीजनल फीवर हो रहा है बच्चों को, बहुत ज़्यादा ऐसे रश है, खचाखच हॉस्पिटल भरे हुए हैं। मेडिसिन ले लिया, इंजेक्शन लगवा लिया, आप चलते हैं कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेनी है, चल के ग्रॉसरी लेते हैं। हम आ गए हैं चेज़ाब माल पर, यहाँ से ग्रॉसरी लेनी है और इसको कोई चॉकलेट वगैरह भी खाने के लेके देते हैं, ताकि ये इसका जो इंजेक्शन का दर्द वगैरह है वो कम हो जाएगा। चलें जी, हम चलते हैं चेज़ाब के अंदर, यहाँ से ग्रॉसरी और ज़रूरी चीज़ें जो डेली वेजेस की हैं वो लेनी है। शॉपिंग हो गई है, टी कप से स्टार्ट। बॉक्स में डलवा लें, कप टूट जाएंगे, ये बॉक्स में डलवा लेते हैं। ख़रीदारी करते हैं, एक सेट लेना है गिलास का, देखते हैं, मुझे वैसे ये वाला पसंद आया, ये वाला कर लेते हैं। एक ये किया है, एक जो मैंने पहले आपको दिखाया वो दो सेट किए हमने गिलासों के। फेस वाश रैक है, यहाँ से फेस वाश वगैरह लेते हैं। फिर रैक है, यहाँ से बर्ड स्प्रे वगैरह लेते हैं, अपने लिए को पसंद करता हूँ। देखते हैं सिनवान ने जिद की थी, कलर ले लिए, ये देखें कलर ले लिए, और यहाँ से रोल ऑन वगैरह लेने हैं, ये लेते हैं। आपसे हमने शैम्पू उठाए हैं, ये देखें हमने शैम्पू वगैरह भी उठा लिए हैं, और भी बहुत सा सामान ले लिया है। कैट के लिए फूड लेते हैं, हमारी कैट जो है उसका नाम है लोने, उसका फूड लेना है, यहाँ से फूड लेते हैं। टेल्स वगैरह भी उठा लिए हैं, और ये देखें हमारी ट्राली काफ़ी फुल हो गई है, और अब इसमें से चीज़ें गिरना शुरू हो गई हैं। रख सफवान, चल खें जिसको ले चल। अब हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, और ये सफवान साहब बिल कराने के लिए लाइन में लग गए हैं, ये देखें ये हमारा बिल हो रहा है।
जब हम स्टोर पर आते हैं हमें आइडिया नहीं होता, शॉपिंग बंदा करता रहता है और फिर जब एंड में बिल बनता है तो फिर पता चलता है बिल की लिस्ट अभी भी रोल हुई है। ये इतना बड़ा बिल बनवा दिया सफवान आपने बनवाया है, आपको इंजेक्शन लगा है उसके चक्करों में आपने मेरी इतनी सारी शॉपिंग करा दी। आप कहाँ इसको ये खोल ले ये चीज़ खोल ले अपनी, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है तेरा। देखें जी खोल गया, पैकिंग के अंदर पैकिंग है इसके। खैर जो इसमें देखने दो क्या चीज़ है, खोल भी ले यार तो बुढ़ा हो गया सफवान भाई। ये चलें जी व्यूअर्स, इससे तो नहीं खोल रहा, मैं ही वीडियो बंद करता हूँ। शॉपिंग कंप्लीट हो रही है, अभी हमारी ट्रॉली ऊपर आएगी। ये देख रही है हमारी ट्रॉली ऊपर आ रही है, ये हमारा सामान आ गया। ये हमने ना एक दो माह की तकरीबन इकट्ठी शॉपिंग कर ली है, बार बार नहीं आना पड़ेगा ग्रॉसरी वगैरह के लिए। और जो डेली वेजेस के लिए जैसे चीनी वगैरह हो गई, दालें हो गई और जो दूसरी आइटम्स हैं खाने पीने की वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वो फिर बंदा दोबारा भी ले सकता है। घूम घूम के शॉपिंग कर के थक गया हूँ और अब मुझे लग गई है भूख, तो मैं आया हूँ नेमत रेस्टोरेंट एंड बारबेक्यू पे। यहाँ पर लेते हैं चिकन रोल पराठा, वो मैं खाऊँगा। सारा दिन इधर से उधर भाग उधर से इधर भाग, खाया भी कुछ नहीं है और अब भूख भी फुल जोरों से लग रही थी, तो मैंने कहा घर जाने से पहले ही यहाँ पेट पूजा कर लेता हूँ क्योंकि अभी एक दो काम और भी हैं मुझे। ताकि अब मैं पहुँचूँ घर सफवान को और उसकी मदर को मैंने पहले भेज दिया था गाड़ी पर, और मैं फिर बाइक पर बाकी जो चीज़ें थी जो काम थे वो मैंने निपटा कर अब पहुँचाऊँ, काफ़ी लेट हो गया था। अब चल के मैं आपको जो शॉपिंग की थी चीज़ आपसे वो दिखाता हूँ। ये देखें सफवान बैठा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह दवाई ली है, इंजेक्शन लगवाया, आप कुछ बेहतर फील कर रहा है। तो सफवान को कहता हूँ आपको गिलास और कप तसल्ली से निकाल के दिखाता है, क्योंकि उस टाइम हम वहाँ पर जल्दी जल्दी में शॉपिंग कर रहे थे और वहाँ वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं थी, इस वजह से मैं आप लोगों को प्रॉपर वीडियो नहीं दिखा सका वहाँ पर चीज़ें क्या क्या ली हैं मैंने। तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, आप बताइएगा आपको कैसी लगी हैं। ये देखें ये गिलासों का जो सेट लिया था मुझे ये पसंद आया था, ये वाला गिलासों का सेट, क्योंकि ये साइज़ में भी बड़ा है और इसमें पानी काफ़ी सारा आ जाता है। मेरे पास जो पहले गिलासों के सेट है ना वो मैं तंग होता था, डेढ़ दो गिलास पीता था, इसमें ज़्यादा पानी आ जाता है। मैंने ये वाला सेट पसंद किया था, और सफवान को और उसकी मम्मा को ये वाला पसंद था। ये आपको पसंद आया था ना गिलास, ये सफवान और उसकी मम्मा को, भाई ये नफीस लोग हैं, इनको नफीस चीज़ें ही पसंद आती हैं। मुझे तो ये वाला गिलास पसंद ज़्यादा आया था क्योंकि इसमें कम से कम मेरे ख्याल में 350-400 ml पानी आ जाता है आराम से। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने मग सेट लिया था वो, ये देखें ये हमने मग सेट लिया था, पहले जो हमारे पास मग थे कप थे वो ख़राब हुए हैं, सेट टूटे हुए थे, तो अब जैसे आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर हमने नया मग सेट भी ले लिया है, चाय वगैरह इस्तेमाल होती है सर्दियों में ज़्यादा। और बाकी जो है ना इसमें ये पीडिया छोड़ लिया था, और बाकी कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं। ये देखें इसमें बॉडी स्प्रे वगैरह है, रोल ऑन है और सॉप वगैरह है, और इस बैग में भी ऐसे ही है डेली वेजिस डेली यूज़ की चीज़ें हैं, टूथपेस्ट वगैरह और ग्रॉसरी वगैरह है कुछ। और मैं आपको ये दिखाता हूँ मेरी फेवरेट, ये है मेरी 7 sticks फेवरेट्स गम्स। ये 7 stick हैं मेरी फेवरेट बबल गम्स हैं, लाता तो मैं अपने लिए हूँ लेकिन ये ज़्यादा मेरे बच्चे इस्तेमाल कर जाते हैं। ये शुगर फ्री होती हैं और इनका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल नेचुरल होता है, और काफ़ी देर जितना देर आप इसको चबाएंगे ना ये इसकी मिठास और इसका टेस्ट ख़त्म नहीं होता। एंड जो मेरी चीज़ें थी वो मैंने अलग कर ली हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर यानी कि जहाँ मेरी चीज़ों की जगह है मैं वहाँ जाकर उनको सेटल करता हूँ। बाकी जो सामान था वो मैंने सारा फैला दिया है, वहीं पे फेंक दिया, वो घर वाले खुद ही उठा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये है मेरी नीड मेरी ज़रूरत की चीज़ें जो मेरी चॉइस थी जो मैंने अपने लिए ख़रीदी हैं। ये जाके मैं अपने बेडरूम में रखूँगा, जो वाशरूम की है जो चीज़ें वाशरूम में रखूँगा। फ्रेंड्स मैं अपनी चीज़ें जाके इनको अब उनकी जगह पे शिफ्ट करता हूँ। सफवान को बहुत भूख लगी हुई है, इसने खाना खाना है, मैंने तो रास्ते में से रोल पराठा खा लिया था। करते हैं यहाँ पर अपनी वीडियो का इख्तिताम, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, अपनी शॉपिंग की है, घर की शॉपिंग की है, सफवान की दवाई ली है, आज सारा दिन मेरा बहुत बिजी गुजरा है, बहुत टफ था।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।